हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। तो आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है प्यासा कौवा। तो एक बार की बात है, एक था कौवा। वो एक दिन बहुत ही गर्मियों के दिन में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तो उसने सोचा कि चलो मैं पानी की तलाश करता हूँ, और वो आसमान में उड़ते उड़ते पानी की तलाश करने लगा। तभी उसको एक कुआं दिखाई दिया। उसने जब कुएं में झांका तो कुआं तो बहुत गहरा था और वो पानी नहीं पी सका। तभी उसे अचानक एक घड़ा दिखाई दिया। वो बहुत खुश हो गया कि अब तो मैं पानी पी लूँगा। लेकिन फिर क्या था, उसमें तो पानी बहुत थोड़ा सा था और बहुत नीचे था। उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की कि काश इधर से कहीं पानी निकल आए। कुछ किसी तरह से उसने उसको हिलाने डुलाने की कोशिश की कि शायद पानी छलक जाए ऊपर तो मैं पी लूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थक हार के जब कौवा इधर उधर देखता है तो उसे कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। तो कौवा सोचता है कि क्यों ना मैं इन कंकड़ को घड़े में डाल दूं तो शायद पानी ऊपर आ जाए। उसने एक एक करके उन कंकड़ों को घड़े में डाल दिया और धीरे धीरे बड़ी मेहनत करने के बाद पानी ऊपर आ गया और कौवा बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे जल्दी से उसने पानी पीना शुरू किया और जितना उसका दिल था उसने पूरा पानी अच्छे से पी लिया और खुशी खुशी हवा में आसमान में उड़ता हुआ चला गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए और कभी घबराना नहीं चाहिए। आपको कैसी लगी स्टोरी? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूल चले हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।